अम्मा अब्बा तो रिश्ते कोई देख रहे, कोई इसका वकील का देखे, कोई बड़ी 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 पार्टियां देख रहे हैं लैला के लिए। लैला ने जी अपने एसोसिएट से शादी कर ली, पसंद कर लिया उन्हें। अम्मी अबू तो मैं जब वहाँ बाहर पढ़ भी रही थी, तब भी वो बाहर भी लोगों को भेज देते थे रिश्ते, डॉक्टर फलाना, कोई कनाडा से आया हुआ, जैसे बहाने बहाने से भी भेज देते थे। भाई एक एक बेटी, क्या पहले वो इनका बेटा जो है वो एले आ रहा है, तो बेटी उनको जरा दिखा देना एले और ये वो। तो मैं पहले तो समझी नहीं, पहले तो मैं जाके मिली, तो पहले देखते मैं समझ गई कि अच्छा अम्मी अब्बू ने ये करना शुरू कर दिया। मैं वहां से भागी। तो असल में मैं पढ़ना चाहती थी पहले, फिर मैं चाहती थी कि मैं को डायरेक्शन करूं। मैं बाहर पढ़ के पाकिस्तान आके काम करना चाहती थी। मैंने यही किया, मैं बाहर पढ़ी, फिर वापस आई इंडस में, गजनफर अंकल ने कहा चलो ये स्क्रिप्ट करो। तो वो तो बहुत अपॉर्चुनिटी देते थे यंगस्टर्स को। तो मैं वहां गई, फिर इकबाल अंसारी साहब वहां गए, उन्होंने भी बहुत इनकरेज किया था, ये शहूद एंजेलिन डायरेक्टर भी बन गए। और मेरे पहुंचने के कोई एक महीने दो महीने बाद इकबाल अंसारी साहब वहां गए, नजमा जमान साहब, अल्लाह में उनको जन्नत नसीब। मुझे तो इस बात की हैरानगी है कि अम्मा अब्बा ने ऐसे प्रिंसेस की तरह पाला था, तो उनको कन्विंस करने में प्रॉब्लम नहीं हुई कि मैं अपनी एसोसिएट से शादी करूं? नहीं नहीं नहीं, वो कन्विंस करने की बात ही नहीं थी। मैं इतने सालों से शादी करती ही नहीं थी, तो मैंने तो मना ही कर दिया। मैंने कहा पढ़ना है, अब काम करना, अब जब काम करने लगी अब बहाना कोई नहीं था। तो फिर व्हेन आई वर्क्ड विद माय हस्बैंड, उस वक्त तो हस्बैंड नहीं थे, आई वर्क्ड विद फहद, तो इट वाजंट अ लव स्टोरी कि मैंने कन्विंस करना था। इट वाज जस्ट अ रिश्ता। फहद ने रिश्ता भेजा आपके? यस, प्रॉपर। और कोई दिल में कोई लड्डू नहीं फूटे थे? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। फहद के दिल में फूटे थे? फहद, उनकी तरफ से था। फहद इतनी हिम्मत होती है भाई, अपने डायरेक्टर को प्रपोज करना या रिश्ता? नहीं था कुछ भी। वी वर्क टुगेदर फॉर 2-3 मंथ्स फॉर हम टीवी, एंड देन उसके बाद खत्म हो गया। देन ही डिड अ प्रोजेक्ट जिसमें ही टुक मी एज टैलेंट एंड ही वाज अ डायरेक्टर। अच्छा, इट वाज कॉल्ड लैला टाइम, इट वाज अ मॉर्निंग शो। वो किया, वो 15-20 एपिसोड्स थे, वो करने थे, वो किए, एंड देन ही जस्ट सेंट अ, ही कॉल्ड मी अप। एक दिन हम लोग लंच पे गए, जैसे टीम लंच पे जाती है, ही कॉल्ड हिज मदर देयर, and then he afterwards he called me up and he said I want to send a proper proposal, to kya main bhej sakta hu, and I was like oye oye, and then I thought ki humne itna mehnat itne arse tak ki, and we didn't lose our cool, and hum log normal rahe, koi har cheez ko solve kar lete the saath milke problems, you know, when you're a team, team ban jaate hai. To maine in retrospect socha, I said maybe this will work in real life also. Okay, to ye aapko aaya ki bhai baki sab cheeze solve kar lete hain तो जिंदगी भी सॉल्व कर। जब आपने काम किया तो आपको पता है ना कि क्या एथिक्स है, क्या मॉरल्स हैं, क्या वर्क एथिक्स है। तो मैंने फिर अपनी अम्मी से जाके कहा था पहली दफा जिंदगी में, मैंने कहा अम्मा वो यू रिमेम्बर, वो जो उस दिन घर पे आए थे वो असिस्टेंट्स वगैरह एंड सब, ऐसे तो वो दैट गाय इज कॉलिंग एंड ही इज सेइंग कि ही वांट्स टू सेंड हिज फैमिली ओवर। मी सेड कौन है ये लोग? आई डोंट नो, ही सेड कहाँ के हैं, क्या लोग हैं, पढ़े लिखे। मेन थिंग हमारे घर में से पढ़ाई लिखाई थी। अच्छा, I'm from, मेरे परदादा भी प्रोफेसर थे। ओके, तो मेरे दादा जान उस जमाने में शिप पे कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड पढ़े। फहद की फैमिली में सारे प्रोफेसर, तो उनकी फैमिली, उनकी मदर वॉज, ये लोग इंडिया के थे, भोपाल के, और वहाँ से पढ़े हुए होंगे ना भाई, तो अच्छे पढ़े लिखे थे, सिंपल लोग थे। तो माय पेरेंट्स डिड हैव, दे डिडंट हैव समाज की दीवार, नहीं एनी प्रॉब्लम विद दैट, एज लॉन्ग एज पढ़े लिखे हों दे वर हैप्पी विद इट। वाओ, एंड फहद टर्नड आउट टू बी द मोस्ट अमेजिंग हस्बैंड। यस, हम सब ने देखा, इतनी बीमारी जब आई उसके बाद तो फहद ने कितना फूलों की तरह ऐसे रखा, मतलब कि मैंने मैंने अपनी आंखों से देखा है, पलट जाते हैं लोग, आंखें बदल जाती है, जरा सा कुछ हो जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि औरतों में होती है मैटरनल इंस्टिंक्ट, औरतें कर जाती हैं, लाइक अभी आप जिनका जिक्र कर रहे थे, बीवियां बैठ जाती हैं। आदमियों में होता है कैंसर, टाटा बाय बाय, वही एक कैंसर। बाहर के मुल्क में जहाँ इतना सपोर्ट नहीं होता, सपोर्ट सिस्टम, और फिर बेचारी ताहिरा जाती आती थी, ही वाज माय रॉक। We'll be right back.